फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खास करके कबीर का जो किरदार है आपका, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिले खास करके सबसे पहले तो ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का किरदार है और जिसने अभी तक नहीं देखी है उसके लिए क्या कहना चाहिए। देखो बचपन से मैं हमेशा विलन लोग का फैन रह चुका हूँ। इनफैक्ट जब शत्रुघ्न सिन्हा जी रामपुर के लक्ष्मण में आते थे तो मैं सीटी बजाता था, प्राण साहब, जीवन साहब, प्रेम चोपड़ा, और फिर फाइनली मुझे मौका मिला टू बी विलन। जो रिएक्शन मुझे मिले थोड़े डरावने रिएक्शन मिले, बिकॉज मुझे याद है मैं पिक्चर देख रहा था PVR जू में, मेरे बगल में दो लेडीज़ बैठी थी, दोनों ही उनके चली गई थी। इनफैक्ट उनको डर लगने लगा, चंद्र पांडे कुछ करना नहीं होता, पर भाई ये मैं फिल्म में कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा डरावना हूँ फिल्म में, लोग मुझे स्लाइमी कह रहे हैं, घिन आ रही लोगों को, लेकिन क्या करूँ, मेरे अंदर वो शैतान छुपा हुआ है और वो शैतान आप लोग को नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं इतना हैप्पी हूँ बिकॉज मेरी शादी के 19 साल हो गए हैं, 19 साल के लिए मैं अपनी बीवी से डरता था, फाइनली मेरी बीवी मुझसे बहने लगी है, तो आई एम हैप्पी नाउ। अच्छा इसके अलावा विद्या बालन जी ने बोला कि आपको जो पहली बार देखा तो उन्होंने भी नहीं पहचाना था। हाँ मैं विद्या जी के बैंड में घुस गया था, झारखंड में शूटिंग कर रहे थे और देख के वो चिल्ला ही एकदम कौन घुस गया है। चलिए उन्होंने मुझे वो गेटअप में देखा था तो भी उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, तो मैं उसको मामले में समझता हूँ। देखो डायरेक्टर का तो पहला ही ब्रीफ यही था कि ये कैरेक्टर करने के लिए आपको चंकी पांडे को खोना पड़ेगा। ऐसे भाई 50 साल से चंकी पांडे मेरा दोस्त है, उसको मैं कैसे खोऊं? तो चंकी पांडे की पहचान उसके लंबे लंबे बाल झुलते हैं, पहले उसको उड़ाते हैं, तो ठीक है मुंडवा दिए बाल, मुंडन बचपन में नहीं किया था, अभी बुढ़ापे में जाके मुंडन हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो तेरे आईब्रोज भी उड़ा देता, मैं बोला भाई सब कुछ कर दिया वो मत करना, और बनियान धोती पहना के मुझे झारखंड लेके गए शूटिंग में, और मैंने बहुत कोशिश की मैं बहुत बड़े विलन की एक्टिंग करूँ, नाक टेढ़ा करने लगा, नाक छोटे करने लगा, उसने बोला कुछ मत कर, ये जो कैरेक्टर मैं चाह रहा हूँ ये तेरे अंदर छुपा है, तेरे में बहुत बड़ा विलन है तू जानता नहीं, और माय गॉड मुझे इतनी मेहनत नहीं की, बस जो अंदर आया मैंने किया और वो सब नज़र आ रहा है इसके, इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा है अपने आप से। राइट, इसके अलावा हमने आपको कॉमिक किरदार करते हुए देखा और विलन के किरदार, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा आपके लिए, कॉमिक किरदार करना या विलन का किरदार करना? देखो विलन बहुत ईजी आ गया मुझे, तो मैं सोचता हूँ विलन ईजी था, कॉमेडी ऐसी चीज़ होती, कॉमेडी राइटिंग के ऊपर डिपेंड होती है, कितना अच्छा स्क्रिप्ट हो, कितने अच्छे आपको डायलॉग्स मिले, और फिर ठीक है आई मीन कॉमेडी में आने वाला एक्टर को बहुत अच्छा रहना पड़ता है, बिकॉज तभी आपको आपकी टाइमिंग आती है और सब कुछ होता है, लाइक गोविंदा, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने मुझे इन लोगों के साथ मौका मिला, अनिल कपूर के साथ डू ऑल दीज थिंग्स, तो कॉमेडी इज़ मोर डिफिकल्ट, विलन बहुत ईजी आ गया। अच्छा विलन की अगर बात करें तो किसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं ऐसे विलन? अगर मुझे मोगैम्बो पसंद है, मुझे शक्ति कपूर, गुलशन कुमार सब पसंद है, लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट विलन है वो था अमजद खान, और गब्बर सिंह, गब्बर सिंह तो गब्बर सिंह रहेगा, लेकिन एक पिक्चर थी मुकद्दर का सिकंदर जहाँ उन्होंने दिलावर का रोल लिया जो रेखा से प्यार करता है, मुझे वो किस्म का कैरेक्टर करना है, दिलावर किस्म का जो मुकद्दर के सिकंदर का, इज़ माई फेवरेट। तो राइट, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कोई जॉनर जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाहें? मुझे अभी पिछले 3-4 दिन में विलन के बहुत ऑफर्स आए हैं, तो शायद मैं एक डिमेंशन ढूंढूंगा विलन के, मैं एक नया किस्म का स्टाइल ढूंढूंगा इसको करने के लिए, मैंने आज तक इमोशनल फिल्म नहीं की, तो मैं चाहूँगा एक दो इमोशनल फिल्म भी हो जाए, लोगों को रुलाऊँ फुलाऊँ। ओके और थैंक यू सो मच। Thank you.